आम जनता की समस्याओं को उठाते हुए उनके निदान के लिए प्रयास करता हुआ हमारा कार्यक्रम बाढ़ परिक्रमा आज सतना जिले के एक और बाढ़ में पहुंच चुका है। इस अभियान के अंतर्गत हम लगातार जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं और उन्हें जिम्मेदारों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनका निदान हो सके। पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार की टीम आज सतना के वार्ड क्रमांक 28 पुरुषोत्तम दास टंडन वार्ड के भ्रमण पर पहुंची। इस वार्ड से सुषमा सिंह लोधी निर्दलीय पार्षद हैं, लिहाजा यह वार्ड विकास के नाम पर काफी पिछड़ा है। इस वार्ड का हाल वार्ड क्रमांक 12 की तरह है। वार्ड नंबर 28 में ODF मुक्त होने का दावा खोखला साबित हो रहा है। वार्ड में गिने चुने घरों में शौचालय बनाया गया है। जिनके घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है वे लोग खुले मैदान में जाने को मजबूर हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें भगा दिया जाता है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या PM आवास भी है। आपको ये नाली नहीं बनी है, लेट्रिन बाथरूम नहीं है, दीवार के सब गरीबन के बाहर जाते खेत भर में ये है, घर गिरा नहीं। क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? अरे हमारे वार्ड में ना कोई शौचालय है, ना कुछ है, ना सार्वजनिक, ना तो आदमी खुले मैदान में जाता है। जिनके घरों में है उनके यहाँ ठीक है, जिनके यहाँ नहीं वो क्या करें, बेचारे सब खुले में जाते हैं। तो आपके वार्ड में कॉम्प्लेक्स नहीं बना है? सुलभ कहीं नहीं बना यहाँ, और सारा समस्या सामने नाली नहीं बनी, आइए देख लीजिए वहाँ। तो ये बताइए, नाली नहीं बनी तो घर का पानी जो निकलता है वो कहाँ जाता है? छोटी नाली से जाता है, उसमें पानी भर जाता है तो फिर आगे जाम हो जाता है। और कितने वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा, क्या क्या समस्याएं हैं ये बताइए। आपके यहाँ लैट्रिन क्या घर पे नहीं बनी है? क्या बनी है तो फिर क्या उसमें समस्या आ रही है? भैया बहुतों के यहाँ भी नहीं बनी है जैसे। तो कहाँ जाते हैं लोग? सब मैदान की तरफ जाते हैं। कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बना आपके वार्ड में? नहीं बना है अभी। जैसे कोई मेहमान लोग आ गए फिर भी वो भी मैदान में जाते हैं? मैदान में जाते हैं। यहाँ मैदान पास में है कि नहीं? पास में है थोड़ा सा, रेलवे कॉलोनी। अच्छा, वहाँ जाना पड़ता है। और क्या समस्याएं हैं? और तो साल से फार्म भरे हैं, अभी तक आवास नहीं आया है। क्यों नहीं है, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अपने नाम से पट्टा बनवाइए। पट्टा बनवाइए? हाँ। तो बोला पट्टा मांग रहे हैं, टैक्स वगैरह भरती हैं आप? टैक्स भरते हैं तो बाबा पर बावन के। कितने परिवार हैं यहाँ पर आपके? दो परिवार हैं। तो कच्चे मकान में रहती हैं तो बरसात में कैसा, क्या गिरने का डर बना रहता है? गिरता है, पन्नी लगा कर रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। पार्षद भी नहीं सुनते क्या? कोई नहीं सुनता है। समस्या हम कहा आवास का पैसा नहीं मिला, शुरू में हम जमा करें डीसन वे हमगन, कोई सुनाई नहीं। क्या बोलते हैं? हम बोल कहते हैं कि अपना नाम चढ़वाओ या करो वह करो, आप टैक्स जमा करें। और क्या दिक्कतें हैं? हमारी दिक्कत यह है कि हमारे घर नहीं, बरसात में सांप खा ले, पीछी खा ले, को खा ले, घर गिर जाए, घर मर जाए, तब फिर आवास का पैसा मिले। हमारे नए आदमी या ना लड़का आया, कोई नहीं है, हमारे लड़के हमारे हैं तो हमारी लड़की घर हमको दो रोटी देती है तब खाती है, नहीं तो आवास योजना का लाभ आपको मिला नहीं? मिला किसी को नहीं सर, ढाई साल में बड़ी दिक्कत, ढाई साल प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरे हुए हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ सुनाई नहीं होती। नगर निगम में वो बोलते हैं अरे अभी वहाँ जाइए यहाँ जाइए, बस ये जनता PM आवास हो या फिर जल निकासी के प्रबंध हो सभी को लेकर नाराज है। इस बारे में कई बार आम जनता के साथ मिलकर पार्षद ने भी पत्राचार किया लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बजबजाती नालियों और गंदगी के बीच जीवन यापन करने वाले लोगों का दर्द साफ झलक रहा है। मध्य प्रदेश पेप्टिक टाइम द्वारा बाढ़ परिक्रमा अभियान चलाया गया, उसके तहत आज हम पहुंचे हैं सतना नगर निगम के वार्ड नंबर 28 में। हम बात करेंगे यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कि इनके वार्ड में क्या समस्या है क्या नहीं। भाई साहब क्या कैसी समस्याएं हैं आपके वार्ड में? सबसे सर्वप्रथम तो यहाँ नाली की बड़ी समस्याएं हैं, पानी जो है ओवरफ्लो होने लगता है बरसात के समय में, जो इसके सुधार की आवश्यकता है, प्लस जो है ये रोड है तो इसकी बनाने की जो है। तो जैसे बरसात के दिनों नाली का पानी नहीं निकल पाया, पता है पानी निकलता है लेकिन इतनी सकरी नालियाँ हो गई हैं कि ओवरफ्लो होने लगता है पानी जो है। अच्छा, तो नाली को जो है सुधार की आवश्यकता है। हमारे यहाँ लैट्रिन वोट्रिन का यहाँ कोई सुविधा नहीं है और नाली पानी भरा ही रहता है, ढाल का पता ही नहीं चल रहा कहाँ तरफ जा रहा है पानी। और साफ सफाई होती है वार्ड में?
वो सुबह करके चले जाते हैं, कई टाइम करते नाली वगैरह सफाई नहीं होती। नहीं, तो इन्होंने बताया कि हमारे वार्ड में नाली की बहुत समस्या है जिससे जल भराव की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा वार्ड में सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़कें खोद दी गई और मिट्टी का ढेर लोगों के घरों के चौखट पर जमा कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, यदि घरों में कोई मरीज गंभीर अवस्था में हो और उसे अस्पताल ले जाना पड़े तो वह रास्ते में ही दम तोड़ दे, क्योंकि रास्ते की हालत बदतर है। वार्ड में हरिजन बस्ती में रहने वाले लोगों ने बताया कि शहर के पूरे 45 वार्ड में यह वार्ड विकास के नाम पर सबसे पिछड़ा है। वार्ड की जनता से जब सुविधाओं के बारे में सवाल पूछा गया तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसका जिम्मेदार कौन? वार्ड नंबर 28 की जो हालात देखने को मिल रहे हैं उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, उसके जनप्रतिनिधि, उसके नकारा अधिकारी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ पे नगर निगम में सत्ता पे आई है, ऐसे ऐसे कर्मचारियों को उन्होंने भर्ती की है कि वो कर्मचारी ये जानते ही नहीं कि उनको कैसी ड्राइंग बनानी है। एक ही सड़कों को 5-5, 6-6 बार खोदा जाता है और उसमें काम किया जाता है। नाली का विकास आप देखिए, नाली किसी प्रकार की यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है और ये सिर्फ ढोल अपना बजाते रहते हैं, अपने गाल खिलाते रहें, जनता को झूठी झूठी वाह वाह योजना दिलाते रहते हैं और विकास की झूठी गाथा बताने में अपने जीवन व्यस्त रखे रहते हैं। दिक्कतें हैं दादाजी आपको बताइए? 4 साल हो गया हमको फार्म भरे वहाँ और अभी कोई सुनवाई नहीं। क्या बोलते हैं आप? कहते हैं कि इधर से ऑफिस में जाओ, वो ऑफिस में जाओ, कहाँ जाए? एक महीना परेशान हुई फिर बैठ गए। तो 4 सालों से आप नगर निगम के चक्कर काट रहे? काटे हैं। अब क्या बोला जा रहा है? अब कहते हैं कि वो अगले पंचवर्षीय योजना मिले। तो पार्षद जी से आपने नहीं कहा है? कई बार कहा। क्या कहते पार्षद जी? कभी मिल जाएगा, कभी न कभी मिल जाएगा। रोड में मतलब रोड है, नाली नहीं है सही ढंग से। रोड में बरसात के टाइम पानी यहाँ क्या रोड में आ जाता है, सब यही है समस्या। घरों में भी घुसता होगा? हाँ, घरों में घुसता है सर। और क्या आपकी वार्ड में शौचालय वगैरह बने? कुछ नहीं है सर, शौचालय नहीं बना है। घरों में बने लोगों? घर में किसी के है, किसी के नहीं है। जो बनाए थे तो वो तो सक्सेस नहीं हुआ। जो घर घर बने हैं वो सक्सेस नहीं है। किसी का है सक्सेस, किसी का नहीं। जो बनवा लिए हैं अपने से कुछ लड़ा के ठीक है, बाकी सब बाहर जाते हैं मैदान में। तो कुछ लोगों ने बताया कि मैदान में भी जाते हैं तो वहाँ से भगाया जाता है। कोई किसी के घर के सामने बैठेगा तो वो तो भगाएगा। विकास न होने से नाराज बाड़वासियों ने अब आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यहाँ की सब समस्याएं को देखते हुए जितनी भर समस्याएं हैं, अगर ये सुलझाई नहीं जाएगी तो वार्ड क्रमांक 28 से यहाँ से वोट डालने कोई नहीं जाएगा। हम इस चीज का अवहेलना करेंगे और कहेंगे कि हमारे यहाँ की जो समस्याएं जटिल पड़ी हुई है उसको समस्या को सुलझाए, इसके बाद में हम लोग जवाहर नगर के निवासी तब वोट डालने जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। और ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ मैं, कि अगर चाहे कुछ भी समस्याएं आ जाएगी तो सुलह कर लेंगे, लेकिन इस चीज में सुलह नहीं कर पाएंगे हम। अब वोट डालने कोई भी नहीं जाएगा। क्या नाम लिखते हैं आप? भोला प्रसाद चौधरी। दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम के ठीक बगल से निकले प्रमुख मार्ग में बारिश के दिनों में भारी जल भरा होता है। पानी निकासी के लिए कोई समुचित प्रबंध नहीं है, लिहाजा यहाँ नाले का निर्माण बेहद आवश्यक है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बरसात के दिनों क्या हाल होता है यहाँ पे? पानी भाई जाम बटा हुआ है, रोड में आ जाता सर पानी, घरों में भी घुसता हो जी। और इस बार में शौचालय नहीं बनी, हर मोहल्ले में शौचालय बनी। तो रोड में जैसे जाम होता है, लोगों के घर में जाता है तो विवाद की स्थिति भी बनती होगी, लड़ाई होती है, लड़ाई भी होती है। जैसे बरसात होती है उस समय क्या होता है यहाँ पे? जैसे पानी फिर अब जहाँ से पाएगा वहाँ से जाएगा, चढ़ के जाए चाहे फिर उलझना पड़ता बर्तन से। हाँ, और पानी पीने वाला आ रहा? पानी पीने वाला तो फिर फराद आ रहा।
स्वच्छ आता है बढ़िया। हाँ, स्वच्छ आ रही है। अब जब से खोदना शुरू हुआ ना, तब से थोड़ा मटमैला आता। तो देखा कि इन्होंने भी अपने वार्ड में समस्याओं को बताया कि हमारे यहाँ हमको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और यहाँ पे नाली की और शौचालय की बड़ी व्यवस्था अव्यवस्थित है, जिसके कारण वार्डवासी बहुत परेशान है। सतना से पेप्टिक टाइम्स के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। बहरहाल आज की बाढ़ परिक्रमा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम। इस रिपोर्ट के लिए सतना से मनीष तोमर के साथ अंबिका केसरी।